बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एथिक्स इन रिसर्च। इन प्रीवियस टॉपिक, इन प्रीवियस क्लास वी स्टडीड अबाउट द एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन और एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन। इसमें हमने ये बताया था कि रिसर्च डिज़ाइन जो है या एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन जो है तीन तरह के हैं। फर्स्ट वन इज़ डिस्क्रिप्टिव स्टडी। डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। सेकंड वन इज़ एनालिटिकल स्टडी। इन एनालिटिकल स्टडी इसमें हम क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं और हम उसका काज को फाइंड आउट करते हैं। थर्ड वन इज़ RCT, स्टैंड फॉर रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल और एक्सपेरिमेंटल स्टडी, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम हाइपोथेसिस को कंफर्म करते हैं और डिफरेंट ट्रीटमेंट मॉडल्स को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा है एथिक्स इन रिसर्च। एज यू नो दैट रिसर्च आर द प्रिंसिपल आर गाइडलाइन, जो हमें बताते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड व्हाट रिसर्च टेल अस अबाउट दैट व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। आज के लेक्चर का खुलासा जो है चार अल्फाज है। इसमें पहला लफ्ज़ जो है वो है रिस्पेक्ट, के एथिकल प्रिंसिपल जो है या प्रिंसिपल ऑफ एथिकल रिसर्च जो है, ये चार अल्फाज है। पहला जो है रिस्पेक्ट है कि भाई रिसर्च पार्टिसिपेंट जितनी भी है सब रिसर्च पार्टिसिपेंट का रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो जिन चीज़ों पर आप रिसर्च कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ह्यूमन पे रिसर्च कर रहे हो तो इसको कहते हैं रिसर्च पार्टिसिपेंट, तो रिसर्च पार्टिसिपेंट सबका जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए। सेकंड वन इज़ बेनिफिशेंस। बेनिफिशन का मतलब यह है कि जो रिसर्च हो रही है, रिसर्च का जो फ़ायदा है वो रिसर्च पार्टिसिपेंट को भी ये फ़ायदा होना चाहिए, ना कि सिर्फ रिसर्चर को फ़ायदा हो। तीसरा जो है मेरिट एंड इंटीग्रिटी। मेरिट एंड इंटीग्रिटी का मतलब है कि रिसर्चर जो है वो एक्सपर्ट होना चाहिए, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसको रिसर्च केयरफुली डिज़ाइन करना चाहिए। फोर्थ वन इज़ जस्टिस, कि रिसर्च जो है वो फेयर होना चाहिए, रिसर्च के जो फ़ायदे हैं वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, देयर शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये चार जो है दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च। आज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, बाय द एंड ऑफ द सेशन द पार्टिसिपेंट विल बी एबल टू, तो ये जो हैं ये ऑब्जेक्टिव्स हैं आर टुडेज ऑब्जेक्टिव्स। थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ मैं, कि पहले ये हो रहा था कि जो रिसर्चेज होती थी वो इंसानों पर होती थी और उन रिसर्चेज का जो है इसमें ह्यूमन राइट्स वायोलेट हो रहे थे, इसमें इंसानों को नुकसान होता था। तो ये बैकग्राउंड ये है कि नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट, नाजी एक्सपेरिमेंट में ये हो रहा था कि ये एक्सपेरिमेंट करते थे प्रिजनर पे, जो कैदी थे या इनके जो इनिमीज थे, दुश्मन थे, उन पे क्या करते, उन पे रिसर्च करते थे और वो इनकार भी नहीं कर सकते थे और उनसे डेथ भी हो सकता था। दूसरा जो है टस्कीजी साइप्लेस, जिस तरह आपको पता है कि साइप्लेस इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़ दैट इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो इसमें क्या करते थे कि स्टडी करते थे ही इंसानों के ऊपर। इन 1980s न्यूजीलैंड जो कैंसर के पेशेंट थे, कैंसर के पेशेंट के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करते थे और जो है दैट द नेचुरल प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज़ कुड बी स्टडीज, डिजीज़ की जो हिस्ट्री है, डिजीज़ का जो पैथोफिजियोलॉजी है, तो उसको समझने के लिए इंसानों के ऊपर क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। इसके बाद जो है जिसमें ह्यूमन राइट्स वायोलेट हो रहे थे, तो उसके बाद जो है कुछ एथिकल कोड्स डेवलप हो गए, वेरियस कोड डेवलप हो गए अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स वायोलेशन। द फर्स्ट वन इज़ नंबर कोड,
डेवलप आफ्टर नाजी एक्सपेरिमेंट. नाजी एक्सपेरिमेंट के बाद ये कोड डेवलप हुआ. द सेकंड वन इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ हेलेंस्की इन 1964. वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने इस कोड को डेवलप किया. इन यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल रिसर्च एक्ट इशूड द बेलमॉन्ट रिपोर्ट. मोस्ट डिसिप्लिन जो हैं या आजकल जो है हर डिसिप्लिन के अपने कोड्स हैं. जिस तरह नर्सिंग के जो हैं ICN है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सिस, जो नर्सिस के राइट्स को क्या करते हैं, सेफ करते हैं. रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट इन मेडिकल, सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस पोजेक्स कम्प्लेक्स एथिकल इशू. जो मेडिकल या सोशल या बिहेवियरल रिसर्चेस होती हैं, इसमें क्या होता है, इसमें एथिकल्स इश्यूज डेवलप होते हैं. और इसके लिए केयरफुल इस चीज़ को रिसर्चर को जो है इसको केयरफुल करना चाहिए. जिसमें इनकेस अगर प्रॉस्पेक्टिव स्टडी है, जिस तरह हम परसों हमने बात की थी प्रॉस्पेक्टिव स्टडी के, इसमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाते हैं. तो अगर प्रॉस्पेक्टिव स्टडी हो रही है तो रिसर्चर को एडिक्वेट इंफॉर्मेशन देना चाहिए जिस स्टडी में, कि इस पार्टिसिपेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए कि इस स्टडी की ये फ़ायदे हैं और ये इसके नुकसानात हैं. पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट टू अलाउ देम टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन. एथिकल प्रिंसिपल ऑफ द प्रोटेक्टिंग स्टडी पार्टिसिपेंट. द राइट टू फ्रीडम फ्रॉम हार्म एंड डिस्कम्फर्ट. ये पार्टिसिपेंट का राइट है कि वो क्या करे, वो उसको बिल्कुल आज़ादी है कि वो उसको क्या करे. अगर डिस्कम्फर्ट है या इसमें हार्मफुल है तो वो इन चीज़ों से आज़ाद होना चाहिए. हाँ, रिसर्चर के ये बिल्कुल रिस्पांसिबिलिटी है और उसकी जिम्मेदारी है कि वो हर चीज़ को एक्सप्लेन करे, और इन केस अगर नुकसान या हार्मफुल है तो वो हार्मफुल चीज़ कोशिश करना चाहिए कि इसको मिनिमाइज होना चाहिए. रिसर्चर जो है, जो रिसर्चर जिस तरह पहले हमने बात की कि रिसर्चर जो है शुड बी क्वालिफाइड, उसको एक्सपर्ट होना चाहिए. और जो है इन केस अगर इसमें नुकसान हो रहे हैं तो उस स्टडी को फर्दर कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, फर्दर ख़त्म करना चाहिए. एथिकल प्रिंसिपल जो हैं स्टडी पार्टिसिपेंट के, इसमें जो हार्मफुल हैं, फिज़िकल इंजरी हैं, इसमें इंजरी और फटीग. द सेकंड वन इज़ इमोशनल, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है, सोशल हार्म हो सकता है, वो है लॉस ऑफ द सोशल सपोर्ट. फाइनेंशियल लॉस हो सकता है और साइकोलॉजिकल हार्म भी हो सकता है. द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है रिसर्च में रिसर्चर को क्या करना चाहिए, रिसर्चर को जो रिसर्च पार्टिसिपेंट है उसको एज अ ऑटोनोमस ट्रीट करना चाहिए. एंड द पार्टिसिपेंट वॉलेंट्रली डिसाइड वेदर टू टेक पार्ट इन द स्टडी. पार्टिसिपेंट को बिल्कुल ये इख्तियार है कि वो उस स्टडी में क्या करे, पार्टिसिपेट करे या ना करे. और वो बिल्कुल वो क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, या अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा पार्टिसिपेंट तो वो रिफ्यूज़ कर सकता है. और उसको बिल्कुल आज़ादी है, किसी भी चीज़ को किसी भी वक्त वो पूछ सकता है. ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि भाई पार्टिसिपेंट जो है इसको बिल्कुल आज़ादी होना चाहिए, बिल्कुल ख़ुद मुख्तार है, उसको बिल्कुल वो जो है पूछ सकता है किन चीज़ों के बारे में. द पर्सन शुड बी गिवन द रिस्पेक्ट टाइम अपॉर्चुनिटी नेसेसरी टू मेक हिज आर हर ओन डिसीजन. प्रॉस्पेक्टिव पार्टिसिपेंट में क्या करना चाहिए कि रिसर्चर जो है उसको बिल्कुल बताना चाहिए कि इस स्टडी की ये नुकसानात हैं और ये फ़ायदे हो सकते हैं. देयर शुड नाट बी प्रेशर टू पार्टिसिपेट. पार्टिसिपेट के ऊपर कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती या प्रेशर नहीं होना चाहिए. द राइट टू फुल डिस्क्लोज़र.
फुल डिस्क्लोज़र मीन, फुल डिस्क्लोज़र का मतलब यह है कि रिसर्चर को बिल्कुल स्टडी नेचर जो है वो बताना चाहिए, एंड द पर्सन को ये राइट हासिल है कि वो उस स्टडी से रिफ्यूज़ करे या विड्रा करे। एथिकल प्रिंसिपल में एक ये भी है कोवर्ट डेटा, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होते हैं जो कोवर्ट होते हैं या जिसको हम मख्फी मालूमात कहते हैं, तो उसके बारे में बिल्कुल रिसर्चर को बताना चाहिए। इवन इफ़ इन कंडीशन वेयर डिसेप्शन इज़ एथिकली जस्टिफाइड, इट इज़ द मॉरल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द रिसर्चर टू प्रोवाइड डिफरेंट आफ्टर द कलेक्शन ऑफ डेटा। तो ये रिसर्चर की मॉरल रिस्पांसिबिलिटी है कि वो ईच एंड एवरी थिंग को क्या करें, एक्सप्लेन करें। एथिकल प्रिंसिपल में जस्टिस भी हैं, द राइट टू फेयर ट्रीटमेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट्स एंड बर्डन, मतलब जितनी भी बेनिफिट्स है वो सब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और जो पार्टिसिपेंट हम सेलेक्ट करते हैं उसमें बिल्कुल फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, और जो पार्टिसिपेंट है इसको जो ट्रीटमेंट है इसको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब यह है कि रिसर्चर के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आते हैं पार्टिसिपेंट के बारे में या पार्टिसिपेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है पार्टिसिपेंट को बिल्कुल राज में रखना चाहिए, न कि वो दूसरों को वो डिस्क्लोज करे, न कि वो दूसरों को बताए, और ये बिल्कुल उसका राइट जो है प्राइवेसी बिल्कुल उसका राइट है। अनानिमिटी व्हेन अगर द रिसर्चर कांट लिंक पार्टिसिपेंट टू देयर डेटा, इनकेस अगर जो है ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसका वो रिसर्चर लिंक नहीं दे रहा, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन या इस तरह का डेटा को भी पार्टिसिपेंट को बताना चाहिए। एथिकल इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, एथिकल इश्यूज़ जस्टिफिकेशन के रिसर्चर जो है वो रिसर्च का जस्टिफाई करना चाहिए कि मैं रिसर्च क्यों कर रहा हूँ मैं, या इस रिसर्च के क्या क्या रीज़न है। एक्सेस टू पार्टिसिपेंट प्राइवेसी, ये भी एक इशू हो सकता है कि जिसमें क्या होता है, जिसमें पार्टिसिपेंट के प्राइवेसी या पार्टिसिपेंट के राइट्स जो है वो वायोलेट होते हैं। इनफॉर्म कंटेंट, ये भी एक इशू है कि कुछ रिसर्च ऐसे होते हैं या इसमें लोग क्या करते हैं कि इन्फॉर्म नहीं लेते हैं, पोटेंशियल हार्म भी जो है वो हो सकते हैं। वल्नरेबल पार्टिसिपेंट का मतलब ये है कि बच्चे या एल्डरली या मेंटली इल पार्टिसिपेंट जो हैं उनको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, वो इनकेस अगर वो इन्फॉर्मेशन को नहीं समझ रहा तो ये रिसर्चर की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो क्या करे, वो ईच एंड एवरी थिंग उसको एक्सप्लेन करे। एंड कंसिक्वेंटली केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द सिचुएशन नीड इज़ रिक्वायर्ड एंड एक्स्ट्रा केयर मस्ट बी टेकन टू प्रोटेक्ट देम, और उसको एक्स्ट्रा केयर देना चाहिए जो वल्नरेबल पार्टिसिपेंट हैं, जो एक्सपोज पार्टिसिपेंट हैं। स्टेप्स टू इंश्योर द ब्रीच ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब वो स्टेप्स क्या होना चाहिए जिसमें हम कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर कर सके। ऑब्टेन आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन ओनली व्हेन नीडेड, वो इंफॉर्मेशन लेना चाहिए जिसकी ज़रूरत है या जो हमें रिक्वायर्ड है, और पार्टिसिपेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको रिसर्चर को क्या करना है, उसको आईडी नंबर देना चाहिए, और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसको बिल्कुल कॉन्फिडेंशियलिटी या इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना चाहिए। इंटर नंबर आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन ऑन टू कंप्यूटर फाइल, या कंप्यूटर फाइल में उसको क्या करना चाहिए, उसको अपना एक आईडी नंबर देना चाहिए। डिस्ट्रॉइंग इंफॉर्मेशन एज क्विकली एज पॉसिबल, वो इंफॉर्मेशन जो डिस्ट्रॉइंग करते हैं तो उसको जो है ख़त्म करना चाहिए। थेरापूटिक मिसकंडक्ट का मतलब ये है कि अगर पार्टिसिपेंट ये समझते हैं, इस चीज़ को समझते हैं कि रिसर्च का हमें या पेशेंट को डायरेक्टली फ़ायदा होगा, तो वो इस चीज़ को समझते हैं कि डायरेक्टली फ़ायदा है पेशेंट को, तो ये चीज़ जो है इसको हम कहते हैं थेरापूटिक मिसकंसेप्शन। इन्फॉर्म कंसेंट में क्या क्या चीज़ें करना चाहिए या क्या क्या चीज़ें लेना चाहिए, पार्टिसिपेंट का स्टेटस, स्टडी को जो गोल्स है वो बताने चाहिए, टाइप्स ऑफ डेटा कि प्राइमरी डेटा लेना चाहिए सेकेंडरी डेटा, प्रोसीजर्स, नेचर ऑफ द कमिटमेंट, स्पॉन्सरशिप कोई जो है उसको स्पॉन्सर कर रहा है या नहीं कर रहा है,
पार्टिसिपेंट सिलेक्शन के कौन से पार्टिसिपेंट उसमें चाहिए, मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर वर्कर्स या डॉक्टर्स या नर्सिस, तो जिनके ऊपर रिसर्च होती है तो उसको कहते हैं रिसर्च पार्टिसिपेंट। पोटेंशियल रिस्क एंड बेनिफिट्स, जो स्टडी की रिस्क हैं या इसके जो बेनिफिट्स हैं या उसके जो खतरात हैं उसको बताना चाहिए। कंपनसेशन, कन्फिडेंशियलिटी प्लेज, जिस तरह पहले हमने जिक्र किया कि भाई कन्फिडेंशियलिटी जो है बिल्कुल उसको जितनी भी चीज़ें वो कन्फिडेंशियल रखना चाहिए। वॉलंटरली कंसेंट, राइट टू विड्रॉ फ्रॉम द स्टडी, और ये पार्टिसिपेंट का राइट है कि वो किसी भी वक्त स्टडी से विड्रॉ हो सकता है। राइट टू विद होल्ड इंफॉर्मेशन एंड कंटेक्ट इंफॉर्मेशन, जितनी भी ये चीज़ें जो हैं ये हम लेते हैं इन्फॉर्म कंसेंट में। असेसिंग पार्टिसिपेंट अंडरस्टैंडिंग, असेसिंग पार्टिसिपेंट का मतलब ये है कि हम पार्टिसिपेंट को असेस करें कि आया वो जो रिसर्च हम कर रहे हैं वो रिसर्च का जो पर्पस है, रिसर्च डिज़ाइन जो है, इसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके जो हार्मफुल चीज़ें हैं, आया वो समझ चुके हैं या नहीं समझ चुके हैं। तो इसके बारे में हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन के जरिए हमें पता चलता है कि यार पार्टिसिपेंट समझा है या नहीं समझा है। दीज आर द क्वेश्चन जो हमें पूछना चाहिए। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द पर्पस ऑफ द स्टडी, हम पार्टिसिपेंट से पूछते हैं कि स्टडी का पर्पस अपने अल्फाजों में डिस्क्राइब करो। व्हाट मोर वुड यू लाइक टू नो, मतलब यह है कि स्टडी के बारे में आपका क्या ख्याल है या स्टडी के बारे में क्या जानते हैं। व्हाट वुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी what you think we are going to ask you to do and what are your concern, या आपका क्या concern है, क्या concern है। reason for limiting information, हर study की कुछ limitations होती हैं, तो वो ये भी जो है बिल्कुल बताना चाहिए clearly, and it is one of the ethical principle की study की जो जो limitation है वो बताना चाहिए। द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर लिमिटिंग इंफॉर्मेशन इज़ द वैलिड डेटा कुडंट बी अपटेन इन द पार्टिसिपेंट वर फुली इन्फॉर्म अबाउट द पर्पस एंड प्रोसीजर ऑफ द रिसर्च, कि भाई डेटा जो हमने लिया है उसकी इंफॉर्मेशन मतलब कुछ हद तक जो है वो गलत हो सकते हैं या डेटा जो है वो थोड़ा सा इनवैलिड है, तो इस चीज़ को बिल्कुल एक्सप्लेन करना चाहिए। और ये आता है रीज़न फॉर द लिमिटिंग इंफॉर्मेशन। साइंटिफिक मिसकंडक्ट जो हैं, साइंटिफिक मिसकंडक्ट फैब्रिकेशन है एंड फेल्सिफिकेशन है। अगर हम डेटा कम सही हमने डेटा अगर हमारा वैलिड नहीं है या डेटा का रिजल्ट हमने गलत पेश किया तो इसको कहते हैं फैब्रिकेशन। फेल्सिफिकेशन मैनिपुलेट रिसर्च रिजल्ट मटेरियल, अगर हमने रिसर्च मटेरियल को मैनिपुलेट किया तो उसको कहते हैं फेल्सिफिकेशन। एक्सटर्नल रिव्यूज़ एंड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन रिसर्च, जितनी भी स्टडी होती है तो उसका क्या करते हैं, बाकायदा परमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे या जहाँ जहाँ रिसर्चेस होती हैं तो उनका अपना एक बोर्ड होता है या कमेटी होती हैं, उससे क्या करते हैं बाकायदा रिटर्न परमिशन लेते हैं। जिस तरह IRB है, IRB इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, तो IRB आपको क्या करते हैं परमिशन देते हैं कि आया आपकी स्टडी ह्यूमन राइट्स वायोलेट हो रहे या नहीं हो रहे। अगर इसमें ह्यूमन राइट्स वायोलेट नहीं हो रहे तो फिर IRB क्या करती है, परमिशन देती है कि देयर इज़ नो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन। ह्यूमन सब्जेक्ट कमेटी, इससे भी परमिशन लेते हैं। इथिकल एडवाइजरी कमेटी या इथिकल एडवाइजरी